हमारे देश में सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो गरीबी की है। लोगों को पर्याप्त रोज़गार नहीं है। लोग अगर सरकारी विभाग में जाते हैं किसी भी स्कीम के बारे में जानने के लिए, तो उनको जानकारी तो देना दूर, उनको दफ्तर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। लोग दो टाइम का खाना जुटाने में बहुत ही असमर्थ हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार की तरफ से, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं। राशन में सब्सिडी दी जाती है, स्कूलों में फ्री शिक्षा है, स्कूलों में भेजने के लिए माँ बाप को पैसे दिए जाते हैं जिससे वो यूनिफॉर्म खरीद सके, किताबें खरीद सके। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जब हम जाके लोगों से मिले और पता चलता है कि वहाँ पे बच्चों को कोई भी स्कीम्स के बारे में नहीं पता, बच्चों को कुछ भी कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती। सरकार मिड डे मील बहुत चलाती है कि जिससे कि बच्चों को पोषण की तरफ ध्यान दिया जाए, कुपोषण ना हो। लेकिन अगर उस भोजन की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि शायद ही जानवर खाए उसे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी के लिए कोई माध्यम नहीं है, ना ही लोगों के पास उपरोक्त बहुत ही बढ़िया रोज़गार है, और लोगों को रोज़गार लेने के लिए बहुत ही धक्के खाने पड़ते हैं। सरकार की तरफ से शहर का सौंदर्यकरण के नाम पर बहुत सी झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा गया, लेकिन अगर उसका रीसेटलमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट तो कर दिया गया लेकिन रीसेटलमेंट नहीं किया गया। अगर वहाँ से अगर किसी बस्ती को उजाड़ा गया, वहाँ 10,000 घर थे तो उसमें से शायद ही सिर्फ 1,000 लोगों को घर मिल पाया, बाकी सब लोग इधर उधर, उनका कोई भी वजूद नहीं है। जब इस तरह की स्थितियाँ आती हैं तो लोगों का आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब लोगों के पास कोई रहने की जगह नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो सरकार के पास जब वो राशन कार्ड की मांग करते हैं तो ना ही उनको कोई राशन कार्ड मिलता है, ना कोई उन्हें पहचान पत्र मिलता है, तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो सब धूल में मिल जाती है। तो सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार जिस तरह से कानून बना रही है, वो लोगों के हित में, जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, लोगों के हित में नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ उनको सुविधाएं देने का कोशिश करें, और जो भी उनके लिए सुविधाएं बनी हैं वो एक्चुअल में उन तक पहुंच पाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम चीज़ है, क्योंकि सुविधाएं तो स्कीम्स तो बहुत अच्छी कागज़ों पे बन जाती हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन और ग्राउंड लेवल पे की बात आती है तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो इस वजह से जो गरीबों की स्थिति है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो अर्बन स्लम्स हैं, उनकी स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। लोगों को गलत कामों की तरफ बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि रोज़गार के अवसर नहीं हैं। अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस की, तो मिनिमम वेजेस नहीं मिलते उनका, फैक्ट्री ओनर्स जो हैं बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को ना चाहते हुए भी बहुत ही कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। बहुत से परिवार तो शहरों में ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक टाइम का ही खाना मिल पाता है, और वो भी बहुत दुर्बल है। इससे कुपोषण भी एक बहुत बड़ा समस्या निकल के आ रही है, क्योंकि अगर प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर उसका नरिशमेंट नहीं हो पाएगा, तो बच्चे जो है वो उनकी स्थिति, आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत ही भयानक होने वाली है। स्लम जहाँ लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, या मकान बहुत टूटा फूटा सा बना है, एक टाइम का खाना मुश्किल है, लोगों को बेसिक एमिनिटीज, टॉयलेट उनके घर में सुविधा नहीं है, उनको सरकार की तरफ से पानी की सुविधा नहीं है, पानी जो है वो बहुत ही गंदी क्वालिटी का आता है, हार्ड वाटर उनको पीने के लिए मिलता है जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। तो जहाँ पर कच्चे मकान है, लोग बुरी स्थिति में रह रहे हैं, बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है, पानी हो, चाहे टॉयलेट हो,
चाहे वो हॉस्पिटल हो, वहाँ पे स्लम, वो स्लम हमारे यहाँ माना जाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे है पानी की, टॉयलेट्स की, लाइवलीहुड की, बिकॉज जो ये रीसेटलमेंट किया गया है ये सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स पे किया गया है। जो लोगों को शहर में रहते थे और वहाँ पे आसपास 2-3 किलोमीटर के दूरी में इनको अपना लाइवलीहुड मिल जाता था, लेकिन आज उन्हें 30 किलोमीटर ट्रैवल करके रोजी रोटी कमाने के लिए जाना पड़ता है। दिन में जो पहले 8 घंटे काम करते थे, 6 घंटे काम करते थे, अब उन्हें 15-15 घंटे काम करना पड़ता है। आधी ज़िंदगी इनकी रोड पे निकल जाती है। अगर हेल्थ की बात करें तो आसपास देखा जाए तो कोई डिस्पेंसरी कुछ नहीं है। अगर इनको कुछ मेजर प्रॉब्लम है स्वास्थ्य से, हेल्थ से लेकर, तो 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है, जहाँ अगर शाम के समय अगर किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो सैनिटेशन की हो, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, पीने का पानी, सफाई, टॉयलेट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल में दाखिला, लाइवलीहुड, हर तरह की प्रॉब्लम है। किसी तरह से अगर देखा जाए तो उन्हें एक बस सरकार ने एक तरह एक जगह से उठाकर फेंकने का किया कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई कि उसने जगह दे दी, लेकिन जगह देना ही काफ़ी नहीं है। जगह के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है देनी। अभी आजकल के सिनारियो में देखा जाए तो इंडिया को एक डेवलप कंट्री के की तरह देखा जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन से है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कैपिटलिस्ट बनते जा रहे हैं। तो पूंजी जो है वो कुछ लोगों के हाथ तक ही सीमित रह गई है। ये प्रॉपरली अगर देखा जाए तो पूरा नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा। जो उत्पाद है, उत्पाद तो बड़ा है, लेकिन उत्पाद के बाद जो शेयर डिवीजन की बात है, जो प्रॉफिट डिवीजन की बात है, वो प्रॉफिट डिवीजन इक्वल डिवीजन नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो चुका है कैपिटलिस्ट के हाथों। तो देखा जाए तो जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है, और अमीर जो है वो और ज़्यादा पूंजीपति और कैपिटलिस्ट होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अगर स्लम्स के या लोगों के कॉमन मैन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर गवर्नेंस सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, अकाउंटेबल हो जाता है और लोगों में अवेयरनेस आती है, तो इससे बहुत सी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। मसलन अगर देखा जाए तो राशन, अगर राशन कार्ड के लिए उसे हज़ारों चक्कर लगाने पड़ते हैं या रिश्वत देनी पड़ती है, अगर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, सिस्टम अकाउंटेबल बन जाए, तो जिस तरह की पॉलिसी सरकार ने बनाई है वो बहुत अच्छी है। जो रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं 1 महीने में राशन कार्ड मिलना चाहिए, पर क्यों उन्हें हज़ारों चक्कर लगाने पड़ते हैं? क्योंकि ना तो लोगों में अवेयरनेस है और ना ही अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट सिस्टम में है। तो अगर ये दो चीज़ों में हम बना पाएँ, लोगों में अवेयरनेस प्लस अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं इन रिलेशन टू द स्लम्स। जो लोग आजकल अगर देखें तो मानवता ख़त्म होती जा रही है, लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपने अपने बारे में, जिस तरह से लोग एक दूसरे को दबा के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही ना सोच के अपने आसपास की जो रियलिटीज़ हैं, हार्श रियलिटीज़ हैं, उनकी तरफ ध्यान दें, और लोग किस तरह से बुरी स्थितियों में जी रहे हैं उनके बारे में सोचें, उनके बारे में देखें।